उनके अपने होम टाउन में आमी नदी इतना गंदा पड़ा हुआ है, उससे इन्फेसिलाइटिस और सारी जितनी भी बीमारियां जो है उससे उत्पन्न हो रही हैं। हे भाई, आप जो है कि मेडिकल से उठाते हैं और ले आकर 900 पे पटक देते हैं मेट्रो, अंतिम समय में अपने अपने अंतिम समय में मेडिकल से उठाते हैं मेट्रो ले आकर आप जो है कि 900 पटक देते हैं, क्यों भाई? अब अभी तक तो जो है कि मेट्रो का जो है कि ईटा तक नहीं रखा गया, अभी तो रूट ही तय कर रहे हैं 5 साल से। अब देखिए हमारी बहन जी किस तरीके से अम्बेडकर पार्क, देखिए लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली, नोएडा को नोएडा बनाने वाली। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है गीडा का मुद्दा, कि यहाँ बाहरी लोगों को नौकरियां दी जाती हैं और हमारे यहाँ के लोग जो है कि बेरोजगार घूमते हैं। रोज मेरे पास जो है कि सैकड़ों की संख्या में लोग बोलते रहते हैं, भैया है गिडवा में यहाँ नौकरी लगवा दीजिए, भैया वहाँ नौकरी लगवा दीजिए। मगर अब हम लोग अभी असहाय हैं, जिस दिन मैं विधायक अगर बन जाता हूँ, मेरे पास ताकत आ जाती है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। नरेंद्र मोदी जी देखिए झूठ के पेड़ हैं, अभी 15-15 लाख रुपया जो है सबको देने की बात कहे थे और वो दे नहीं पाए, और उनका स्तर बहुत बड़ा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मीडिया लैंड नेटवर्क, और इस समय जो आप शो देख रहे हैं वो आपका शो है हमारा उत्तर प्रदेश आखिर कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश। इस समय हम गोरखपुर में है, यानी कि सीएम सिटी में। यहाँ से कुछ ही दूर पे एक विधानसभा पड़ती है जिसका नाम है सहजनवा। यहाँ पर एक काफी प्रसिद्ध जी है सुधीर सिंह जी, बहुत समय से ये पार्टी से टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन इस समय इन्हें पार्टी का टिकट मिल गया है, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा से इन्हें टिकट मिल गया है और इस समय ये दावेदार हैं यहाँ से विधायक बनने के। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे और अपने क्षेत्र को कैसे कैसे विकास करेंगे, अपने क्षेत्र का यहाँ का ये डेवलपमेंट कैसे करेंगे। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सुधीर जी। आपसे सबसे पहला हम सवाल यही करेंगे कि आप को पार्टी से टिकट तो मिल गया, अब आपको क्या लगता है कि कल को अगर आप यहां से विधायक बन जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रवासियों के लिए क्या करेंगे, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए अभी हमारे पाली ब्लॉक की तरफ आप जाइए तो वहां पर जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, जो रेगुलेटर का मामला है वो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का है। पाली ब्लॉक की तरफ बहुत सी गांव ऐसे हैं जो लगातार बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, और सारी नेतागढ़ जितने भी हैं वो लोग जाते तो हैं कि राशन वितरण कर लें, सब कर लें, मगर उस मतलब ज़मीन पे उतरकर ये चीज़ नहीं देख पाए हो कि इस समस्या को ख़त्म कैसे किया जाए। अभी आप देखिए हमारे पिपरौली ब्लॉक में आ जाइए, जो बगल के गाँव हैं कैली, कुलुई, तिनवन, अमटौरा, बनौड़ा, कटका, बिलवादाड़ी, ये जो है कि सारे गांव जो है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और जो है यहाँ पर जितने भी नेता हैं अभी तक कोई जो है कि ज़मीन पे गया ही नहीं, ज़मीन पे नहीं गया कि भैया यहाँ पर बंधा बनवा दें। आप देखिए जो है कि जो आमी नदी का पानी है उस पानी से अगर पानी चला दिया जाए तो गोभी सड़ जाएगा, वहाँ पर जो है आमी नदी की सफाई होनी चाहिए। आप देखिए जो है जहाँ पर हमारे जो है कि SSP प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये सारे लोग जहाँ पर नदी साफ करने की, स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए अभी चले जाइए बगल में, और उनके अपने होम टाउन में आमी नदी इतना गंदा पड़ा हुआ है, उससे इन्फेसिलाइटिस और सारी जितनी भी बीमारियां जो है उससे उत्पन्न हो रही हैं। कहीं अगर पानी, अगर वो पानी चल जाता है तो वहाँ पर जो है जो भी खेती बाड़ी है वो नष्ट हो जाती है, पक्षी पशुओं सब पे जो है कि इसका असर पड़ता है, तो इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 5-5 साल अब तो सरकार जाने को हुआ, अब जो है कि अब क्या करेंगे? आप देखिए हमारे साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार सहजनवा के साथ किया जा रहा है। अरे भाई, आप जो है कि मेडिकल से उठाते हैं और ले आकर 900 पे पटक देते हैं मेट्रो, अंतिम समय में अपने अंतिम समय में मेडिकल से उठाते हैं मेट्रो ले आकर आप जो है कि 900 पटक देते हैं, क्यों भाई? अरे भाई, गीडा यहाँ पे है, रोजगार यहाँ मिल रहा है, जिसको जिसको नौकरियां करना है जो भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा 900 से आगे बढ़ाकर ये चीज सहजनवा तक आना चाहिए था मेट्रो। अभी तो 4.5 साल से ऊपर बीत ही गया, अब तो अगले महीने
दो महीने तीन महीने के अंदर चुनाव है। अब अभी तक तो जो है कि मेट्रो का जो है कि ईटा तक नहीं रखा गया, अभी तो रूट ही तय कर रहे हैं 5 साल से। और देखिए हमारी बहन जी किस तरीके से अम्बेडकर पार्क, देखिए लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली, नोएडा को नोएडा बनाने वाली, वो अपना जो है कि गृह जनपद जानती थी। और यहाँ पर देख लीजिए दोनों जगह जो है कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन अभी मैं आपको वर्तमान समय की बात करूंगा, जैसे आपने बताया आमी नदी की परेशानी बहुत ज़्यादा थी, साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो इससे पहले आप एक समाज सेवी थे, तो समाज सेवी के तौर पे आपने ये संज्ञान रखा यहाँ प्रशासन के सामने कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसका कुछ समाधान कीजिए। मेरे साथ दुर्भाग्य रहा कि मैं ब्लॉक प्रमुख होते ही विपक्ष का ब्लॉक प्रमुख रहा। विपक्ष का ब्लॉक प्रमुख रहने के साथ साथ ही मेरी लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ पे स्थानीय नेता जो है कि लगातार मुझे जो है 4 साल काम ही नहीं करने दिए, 4 साल मुझे काम नहीं करने दिया गया लगातार जो है कि उसी बीचों में जो है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगे, ये सारी चीज़ें थी। तो मगर फिर भी जितने दिन मैं जो है कि रहा उतने दिन लगातार जनता के बीच लगा रहा, जनता के बीच में रहा और उनकी सारी समस्याओं को सुनकर, आप देख लीजिए बाढ़ पीड़ितों को जो है कि राशन वितरण का कार्यक्रम हो, कोरोना में जो है कि सारे लोगों तक जन जन तक पहुंचकर राशन हुआ, जो भी चीज़ हुआ, तो हम अपने जान की परवाह किए बगैर आप जो है कि पीछे फेसबुक का मेरा पेज उठा के देख लीजिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा ये सब फेसबुक वेसबुक पे डालता भी नहीं हूँ, मेरे समर्थक लोग डालते हैं, तो वो सब सारी स्थितियाँ आप देख लीजिए कितना मैं जनता के लिए खड़ा रहा। और अभी ब्लॉक प्रमुख, अभी पिछली बार जो है कि अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, लगातार जो है कि यहाँ पर डीएम साहब ने मेरा जो है दो बार पर्चा खारिज किया, और उसके बाद जो है कि जनता ने जनादेश दिया। मेरे चाचा के खिलाफ जो लड़ा वो भी जो है 600-700 मतों से हारा, मेरी पत्नी के खिलाफ जो लड़ा वो हारा, और जो है कि मेरे प्रतिनिधि थे उनके खिलाफ भी जो मेरे घर से लड़ा वो जो है कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। सुधीर जी, आपके क्षेत्र में हमने बहुत लोगों से बात की और आपके बारे में फीडबैक जानने की कोशिश की, तो जनता का क्रेज बहुत है आपको लेके, आपको काफ़ी समर्थन यहाँ से मिल रहा है क्षेत्रवासियों के लिए, और उनकी एक उम्मीद आपसे बंधी हुई है कि कल को अगर आपको विधायक बनाते हैं तो आप उनके लिए उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, तो आप उनकी निजी समस्याओं के बारे में बताइए कि जहाँ तक भाई वो लोग आपको इतना समर्थन दे रहे हैं तो आप कितने वाकिफ़ हैं उनकी निजी समस्याओं से और उनका कहाँ तक निवारण करेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये गीडा का है। देखिए अभी आप देखे होंगे पिछले सरकारों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो अपने यहाँ 4 लेन का जब निर्माण हुआ तो अपने लोगों को 6-6 लाख रुपया डिसमिल के दर से जो है कि वहाँ पर मुआवजा मिला, और आप बताइए 30-30 साल से जो है कि यहाँ पर सर्कुलेट ही नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर गीड़ा आप देखते होंगे 8-9 लाख रुपया डिसमिल जो है ज़मीनें बेच रही है, और हम लोगों से 72,000 रुपये डिसमिल पे ज़मीनें ले ली जा रही है, ये जो है कि अन्याय नहीं है तो क्या है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार जो इस समय काम कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है, और आप बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि वो एक मुख्यमंत्री के शहर को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं? देखिए मैं तो विपक्ष में हूँ, मुझे तो बोलना ही है उनके विपक्ष में, और योगी जी के कामों से मैं कैसे संतुष्ट रहूँगा, मैं नहीं संतुष्ट रह पाऊँगा। आप देख लीजिए आप जो है कि अगर 72,000 रुपया जो है कि डिसमिल के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे बगल में अभी आप देखिए अभी मेरा जो है कि 4 लेन के इस पार ज़मीनें हैं, 72,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से मुझे खुद मुआवजा मिला, और आप 4 लेन के इस पार जो है नदी में 6 लाख रुपया डिसमिल मिला, तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों इस चीज़ों पर जो है मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए इंसान। आपने इस बारे में प्रशासन से बात की या किसी से बात की इस बारे में? जी सब लोग हमेशा बात करते रहते हैं। क्या कुछ मतलब निवारण नहीं निकल रहा है इसका? नहीं, कोई निवारण नहीं निकल रहा इसका। चलिए सर, अपने अगले टास्क पे पहुंचते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप BSP के साथ जुड़े हुए हैं, तो आखिर कब कितने लंबे समय से BSP के साथ हैं? क्या BSP में ही आपने टिकट के लिए आवेदन किया था या और भी पार्टियों में टिकट के लिए आवेदन आपने किया था? मैं BSP में ही टिकट के लिए आवेदन किया था और मैं BSP से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जो भी मेरे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का मैं साथ लेकर ही चलना चाहता हूँ और इन लोग की ही लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो भी मजदूर वर्ग हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग, और निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है गीड़ा का मुद्दा, कि यहाँ बाहरी लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं और हमारे यहाँ के लोग जो है कि बेरोजगार घूमते हैं। रोज़ मेरे पास जो है कि सैकड़ों की संख्या में लोग बोलते रहते हैं, भैया है गिडवा में यहाँ नौकरी लगवा दीजिए, भैया वहाँ नौकरी लगवा दीजिए, मगर अब हम लोग अभी असहाय हैं,
जिस दिन मैं विधायक अगर बन जाता हूँ, मेरे पास ताकत आ जाती है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। मेरी सरकार बनती है तो मैं जो है कि बहन जी से जाके कहूँगा कि बहन जी जो है कि एक रूल पास कीजिए कि जिसमें जो है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ से किसी को बाहर ना जाना पड़े। अगर यहाँ पर आप देखिए 8,000-8,000 रुपया में, मात्र 8,000 रुपया में 12-12 घंटा जो है यहाँ पर नौकरियाँ कराई जा रही हैं, जो कि हमारे बाबा साहब ने ये निकलवाया था कि भाई 6-7 घंटा जो है कि सबसे जो है काम लिया जाए, मगर 12 घंटा का नौकरी करवा के सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो है कि मैं गीडा के अपने मजदूरों को, अपने नौजवान साथियों को ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर सुधीर सिंह विधायक हुए तो निश्चित रूप से उनका जो है कि तनख्वाह भी बढ़वाने का काम करूँगा, जो 12 घंटा की ड्यूटी है उसको भी कम कराने का प्रयास करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के शहजरवा विधानसभा के लोगों के लिए, क्योंकि भाई हमारी ज़मीनें जा रही हैं और जो यहाँ का प्रदूषण है वो हम लोग झेल रहे हैं, तो रोज़गार भी मिलने का सबसे पहला मूल अधिकार हम लोगों का है। और निश्चित रूप से इस लड़ाई को जो है कि मैं विधायक हूँगा विधानसभा में रखूँगा कि ये होना चाहिए। प्रदूषण पे कुछ कहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रदूषण भी एक कारक बन रहा है, आपको कैसे लगता है कि प्रदूषण भी एक समस्या है यहाँ पर? महोदय, आप आज 6-7 बजे के करीब आप आइए मेरे घर पे, मैं जो है कि ऊपर यहाँ पर जो है कि झाड़ू लगवा दूंगा, और कल सवेरे आप आइएगा, कल सवेरे जब आएंगे आप तो मैं आपके सामने फिर झाड़ू लगवा दूंगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इतनी पतली सी राख जो है कि रात भर में गिर जाती है, अब सोचिए कि इतनी पतली राख अगर रात भर में जो है कि 12 से 13 घंटा में अगर गिर रही है तो प्रदूषण कितना खराब होगा यहाँ का। चलिए सर, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम जरा जानना शुरू करेंगे कि आपकी स्कूल लाइफ थी, जहाँ तक हमें पता है एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपने पढ़ाई पूरी की थी, तो उस समय आपका मतलब स्कूल में क्या था, मतलब जैसे कि वहाँ के टीचरों से भी हमने बात की तो बताओ, वो टीचर्स का भी हमने, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे हमने बातचीत की आपके बारे में, आपके बारे में थोड़ा सा हमने पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी छवि रही है आपकी, बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि आप पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो आखिर आपको क्यों लगा कि आगे इंजीनियर डॉक्टर ना बन करके एक समाज सेवी बनना और आगे एक नेता बनना, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, यहाँ तक की अपनी जर्नी बताइए। देखिए, हम निश्चित रूप से जो है कि जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल लाइफ हमारा ऐसा रहा है कि अपने क्लास में जो है कि हमारे साथ के पढ़ने वाले या मेरे टीचर सारे लोग बहुत मुझे मानते थे, और निश्चित रूप से अपने क्लास में मैं 2nd-3rd के स्थान पर रहता था, 1st तो नहीं आ पाता था, मैं 2nd-3rd के स्थान पर रहता था और जो है कि सारे लोग का बहुत प्रेम और हर चीज़ मिलता था। बट अब इसमें बीच में थोड़ी सी मेरे साथ जो है कि दुर्भाग्य ही कह लिया जाए, मेरे पिता की हत्या हो जाती है, जो है कि उस समय मैं क्लास 6 में, मुझे लगता है कि मैं क्लास 6 में था, और उसी समय से मेरे पिता की हत्या हो गई, बाप का साया उठ गया, फिर मैं जो है कि अपना सीनियर सेकेंडरी से पढ़ाई करके फिर यूनिवर्सिटी की तरफ MG डिग्री में जो है कि मैं गया, वहाँ उसके बाद अभी मैं मेरी किशोरावस्था आई थी तो मेरे भाई साहब का भी जो है माफियाओं द्वारा जो है कि हत्या कर दिया गया, तो फिर जो है कि फिर घर की पूरी जिम्मेदारी, जो कि मैं अपने घर का अकेला था, और तो घर की पूरी जिम्मेदारी और जो है कि हमारे दोस्त यार मेरे पिताजी जो कि ब्लॉक प्रमुख रहे, तो जो है कि जनता की भी हमसे थी कि अब पिता आपके नहीं हैं, आपके बड़े भाई नहीं हैं, तो आपको जो है कि जनता की सेवा में रहना चाहिए, और मैं जो है कि मैं शुरू से अपना ध्येय बनाया कि जिस तरह से मेरे पिताजी जो है जनता की सेवा करते रहते थे, उनके अपने लोग थे, उन सारे लोगों को जो है मुझे मेंटेन करना है, उन सारे लोगों के बीच मुझे रहना है, उनके दुख सुख में मुझे खड़े रहना है, तो मैं जो है कि राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति में आया। जी, बहुत अच्छी बात है। दरअसल होता यह है कि जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो आखिर वो एक इंतकाम के रूप में आ जाते हैं, वो बदला लेने की पे आ जाते हैं, पर आपने जनता के बारे में सोचा, जनता के लिए सोचा, जो जो हमारे साथ घटा है किसी और के साथ घटित ना हो, इसलिए आप जनता के साथ खड़े रहे, तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको टिकट मिल चुका है और यहाँ से भारी मतों से आप आगे बढ़ें, आप यहाँ के विधायक बने और यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें। चलिए, अब जाते जाते एक आखिरी राउंड हम आपसे खेलते हैं,
हम एक ऐसा शब्द एक बोलते हैं आपसे, एक शब्द एक नाम लेते हैं आपके सामने, उस नाम को सुनकर के आपके मन में जो दिल में मन में जो ख्याल आता है वो आपको हमें बताना है, और उसमें समय नहीं लेना है, तुरंत जवाब देना है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी देखिए झूठ के पेड़ है। अभी 15-15 लाख रुपया जो है सबको देने की बात कहे थे और वो दे नहीं पाए, और उनका स्तर बहुत बड़ा है, उनका असर इतना बड़ा है कि मैं जो है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी नहीं कुछ बोल पाऊंगा, और ना ही कि जो है मैं महाराज जी योगी जी के बारे में मैं कुछ बोल पाऊंगा। ये दोनों लोगों की से मेरी लड़ाई कोई नहीं है, मैं सहजनवा विधानसभा से लड़ने आ रहा हूँ, ये जो है कि सहजनवा विधानसभा के बारे में मैं बात करूंगा, और जो और बातें हैं मेरे विधानसभा के बारे में बात कीजिए, मैं करूंगा ही। और इन लोगों के बारे में पूछना है तो ये मेरे से ऊपर वाले जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन मायावती जी, इन लोगों से जाके पूछिए, ये लोग बताएंगे कि कौन क्या है, कैसे किस तरह से है। ना इन लोग के बराबर मेरा स्तर है और ना इन लोगों से मेरी कोई लड़ाई है। मैं तो अपने सहजनवा विधानसभा में लड़ने आया हूं, यहां पे लड़ूंगा, जो प्रत्याशी रहेगा उस प्रत्याशी से मैं अच्छा हूं ये मैं जानता हूं, और अपने जो है लोकल मामले को लेकर जो मैं सोचता हूं वो शायद जो है कि इसके पहले किसी नेता ने नहीं सोचा। आप लगातार जरा देख लीजिए, हमारे यहां 5-5 बार विधानसभा का चुनाव जो है कि मेरे होश में, जो कि मैं उस समय में जो है कि अपना अपनी चेतना जो है संभाल चुका था, 5-5 बार विधानसभा में देख चुका हूँ लगातार जो है कि कौन लड़ा यहाँ। यहाँ पर जितने लोग लड़े हैं कोई जो है कि जनता के बीच में नहीं रहा, कोई जनता, कोई अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, कोई पिक्चर बनाने चला गया, कोई